मीडिया से पधारे हुए साथियों, पुलिस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष भाई राजन, शहर जिला कांग्रेस के सम्माननीय अध्यक्ष भाई खंडेलवाल जी, मेयर भाई अजय मिश्र बाबा जी, जिला कांग्रेस शहर और ग्रामीण के संगठन मंत्री सम्माननीय भाई रवि तिवारी जी, भाई संजय पटेल साहब, महिला कांग्रेस के प्रति काफी समय हो गया था, आप लोगों से कई मुद्दों पर चर्चा करना थी और हमेशा जब भी जिन विषयों पर आपसे चर्चा हुई है आपका सकारात्मक सहयोग और पूरा समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिला है, क्योंकि हमने उन ज्वलंत मुद्दों को हमेशा आपके समक्ष रखा है जिनको एक जिम्मेदार प्रभावी विपक्ष के रूप में, प्रतिपक्ष के रूप में हम जरूरी मानते हैं कि जनता तक पहुंचना जरूरी है और मीडिया और पत्रकार बंधुगण वो साधन है, वो आवाज है, हम सबके वो साथी हैं जो निडर होकर इस बात को आम जनता तक अपनी कलम से, अपने साधन से, संसाधन से पहुंचाते हैं। आज जब हम पिछले दो दिन से लगातार समीक्षा कर रहे हैं, पिछले एक डेढ़ साल में जो संगठन का काम हुआ है, हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों का पुनर्गठन हो गया, मंडलम और सेक्टर की पूरी कमेटियां बन गई, पूरे जिले में 8 विधानसभाओं में, 25 ब्लॉक में, और उन सब का वेरिफिकेशन प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हो गया। इसके साथ ही ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मंडलम सेक्टर के माध्यम से हमने पहली बार रीवा के इतिहास में, 20-25 सालों के इतिहास में, ब्लॉक स्तर से जाकर नीचे पोलिंग बूथ तक हमने बीएलए अधिकारी नियुक्त किए हैं। 2013 बीएलए हमारे संगठन के नियुक्त हो चुके हैं और वो जिला प्रशासन के निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पर पटल पर आ गए हैं। सबसे बड़ी बात ये हुई है, पहली बार रीवा जिले में जो हमारा बूथ लेवल का कार्यकर्ता है, जो सबसे जिम्मेदार व्यक्ति है, अहम जिसकी भूमिका रहती है चुनाव में, उसको निर्वाचन मतदाता सूची के वेरिफिकेशन में हमने लगाया है। वहां के पोलिंग में कोई इधर से उधर कोई संशोधन करना है, इस काम में उनको लगाया है। साथ ही साथ जो 18 वर्ष के हो गए हैं 1 जनवरी को या आज की तारीख में जब संशोधन हो रहा है जुलाई में अगस्त में, उनके नाम कैसे हम जुड़वा सकते हैं, या जो विकलांग है जो वोट डालने नहीं जा सकते, उनके हम सर्वे करके कैसे उनको मतदान केंद्र में ना जाना पड़े, उनका जानकारी लेकर हम निर्वाचन अधिकारी को दे दें, जिससे कि उनका जो बीएलओ जो अधिकारी है, बीएलए राजनीतिक प्रतिनिधि है, बीएलओ प्रशासनिक अधिकारी है जो हर पोलिंग बूथ पर है, उनसे समन्वय स्थापित करके वो जानकारी तालमेल में कर सके। बहुत अच्छा काम हमारी जिला कांग्रेस कमेटी ने, हमारे संगठन मंत्रियों ने, हमारी शहर कांग्रेस कमेटी ने किया है और हमें इन सबको बधाई देते हुए खुशी है कि ये काम पिछले 6 महीने के अंदर कर दिया है। अब जुलाई अगस्त में हम लोग जहां एक तरफ ये तय करेंगे कि इनका वेरिफिकेशन फिजिकल हम कर लें, अभी टेलीफोन से किया है, प्राप्त जानकारी के अनुसार किया है, और उनको उसके साथ साथ प्रशिक्षण उनको दे दिया जाए, यदि ईवीएम का चेकिंग करना है तो कैसे करेंगे, ईवीएम में यदि वोट डलना है तो कैसे डलेगा, यदि परिवार में एक नाम यदि किसी एक पोलिंग में हो गया, दूसरा नाम दूसरी पोलिंग में हो गया, तो उनको एकत्र करके, एकीकृत करके हम कैसे उस परिवार को या हम उस वोटर को मदद कर सकते हैं, भारत सरकार के निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार इसमें हमारे बीएलए की अहम भूमिका है। और
उनके प्रशिक्षण में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी से हमारे वो लोग भी आएंगे जो प्रोफेशनल हैं, जो इस नॉलेज को, इस जानकारी को आप कार्यकर्ता तक पहुंचाएंगे। ये भी पहली बार हो रहा है मध्य प्रदेश में, पहली बार हो रहा है। कमलनाथ जी के जो हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जो हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये चुनौती स्वीकार करी है कि भाजपा के संगठन का जवाब हम कांग्रेस के मजबूत संगठन से देंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से देंगे। ये उसी का हिस्सा है। और आप सबको मालूम है कि हमने जो 5 ऐसे योजनाएं निकाली हैं जिसे हम 5 गारंटी के नाम से जान रहे हैं, चाहे वो 1500 रुपए हर परिवार नागरिक महिला को देने की बात हो, नारी सम्मान योजना में 500 रुपए सिलेंडर में देने की बात हो, 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली या 200 यूनिट तक का हाफ का फायदा देने की बात हो, किसान के कर्जा माफ करने की बात हो, चाहे वो हमारे निराश्रित लोगों को वृद्धावस्था पेंशन को 600 से बढ़ाकर 1000 करने की बात हो, चाहे वो गौशाला का निर्माण जो रुक गया, या जो कर्जा माफी का कार्यक्रम इस शिवराज सरकार ने रोक दिया, उसको फिर से कांग्रेस की सरकार बनने पर शुरू करने की बात हो, अधूरे काम को पूरे करने की बात हो, हम संगठन के माध्यम से इस काम को कर रहे हैं। और हमारा ये प्रयास होगा कि हम इसको गांव-गांव तक, हितग्राही तक और उन गरीब परिवार तक पहुंचाएं, SC ST OBC लोगों तक जिनके लिए ये योजनाएं बनाई है। एक तरफ ये भी देखा है शिवराज सरकार ने चुनावी वर्ष में 1000 रुपए लाडली बहना योजना के नाम से शुरू कर दी है। 19 साल में कभी उन्हें लाडली बहना की याद नहीं आई, कभी इस तरह की योजना उन्होंने वेलफेयर योजना महिलाओं के लिए देने की कोई योजना नहीं करी। जब ये योजनाएं हमारी राजस्थान में शुरू हो गई, हिमाचल में शुरू हो गई, कर्नाटक में शुरू हो गई, तब उन्होंने मध्य प्रदेश में चुनावी शिविर के रूप में इस काम को अपनाया है। और उसमें भी हमारे पास ये प्रूफ है, प्रमाण है, ये देखा होगा आपने भी, देख लीजिए, जो पहली किस्त 10-11 जुलाई को आई है 1000 रुपए की, उसमें बैंक वालों ने उनका न्यूनतम चार्ज जो है वो काट लिया, कोई लोन है तो उसकी भरपाई कर ली, कोई ओवरड्यू अकाउंट है तो वो पैसा भी काट लिया। सुबह 1000 रुपए जमा हुए उसके खाते में, शाम को सिर्फ खाते में 11 रुपए बचे हैं, वो स्टेटमेंट मेरे पास कुछ अकाउंटों के हैं। तो इन्हें साफ निर्देश देना चाहिए था कि ये सहायता राशि में से कोई भी बैंक, केंद्र में सरकार इनकी है, डबल इंजन की सरकार ये कहते हैं, पर इनके कम्युनिकेशन में और प्राथमिकताओं में कितना अंतर है मैं ये बताना चाहता हूँ। एक तरफ स्कीम की घोषणा करते हैं और दूसरी तरफ 11 रुपया सिर्फ शाम को 5 बजे उसके अकाउंट में मिलता है। इतना अंतर, इतना सामंजस्य नहीं है, समन्वय नहीं है। ये कोरी कहने का मतलब मेरा ये है कि कोरी घोषणाएं हैं जिनको आपको और हमको समझना आवश्यक है। 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी ने जो कहा था वो पूरा किया, और हम आपको ये फिर से वचन देते हैं, वायदा करते हैं कि भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार आने वाले नवंबर के चुनाव में चुनी जाएगी। जैसा सर्वे बता रहे हैं 160-170 सीटें कांग्रेस की आएंगी और भाजपा से बढ़कर 60-70 के अंदर रह जाएगी। ऐसी तकनीकी दृष्टि से जो सर्वे कर रहे हैं आप लोगों का, प्री पोल सर्वे होता है, एक रेंडम सर्वे होता है, एक एग्जिट सर्वे चलता है हमारी सर्वे संस्थाओं का, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये घबराकर प्रधानमंत्री के दौरे हो रहे हैं, गृह मंत्री के दौरे हो रहे हैं, नड्डा जी आ रहे हैं, गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। नड्डा जी खरगोन में आकर कहते हैं कि लाडली लक्ष्मी योजना बंद कर दी कमलनाथ जी ने 15 महीने में। मैं ये दावे के साथ हृदय से स्वागत किया है, कहीं कोई उसको नकारा नहीं है। उसको राशि जमा करी गई। दूसरा आरोप लगाते हैं किसानों को सर्वे में मुआवजा नहीं मिला, उसका प्रीमियम नहीं दिया। जब कमलनाथ जी की कांग्रेस सरकार आई तो पिछली सरकार का जो ओवरड्यू प्रीमियम था वो भी कांग्रेस की सरकार ने दिया था, और किसान को वो राहत मिली थी जो हमें मिलना चाहिए।
फसल बीमा योजना के अंतर्गत। इसी तरह से मनमानी योजनाएं इनकी चल रही हैं। राहुल गांधी जी को जो एक बहुत स्वच्छ आवाज है, बुलंद आवाज है, उसको दबाने का प्रयास जिस तरह से संसद की सदस्यता समाप्त करके किया गया, एक जनता ने जो लाखों लोगों ने चुनकर भेजा था, आपने कानून का गलत सहारा लेकर, संविधान का गलत सहारा लेकर 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता समाप्त कर दी, और वो भी ऐसा आरोप उनके ऊपर डिफेमेशन का लगाया 499(500) के अंतर्गत, जो 75 साल में किसी भी व्यक्ति भारत के इतिहास में किसी भी व्यक्ति के ऊपर 2 साल की सजा किसी भी कोर्ट ने निरूपित नहीं की है। इसका मतलब यह है सरकार की मंशा, सब राजनीतिक दबाव इस बात का था कि 6 महीने की सजा ना दी जाए, मैनिपुलेट करके 2 साल तक वो ले गए, और एक कोर्ट का और कानून का सहारा लेकर राहुल गांधी जी की इस बुलंद आवाज को, सच्चाई को दबाने का प्रयास किया। हम जिला कांग्रेस कमेटी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, इसकी तीव्र भर्त्सना करते हैं, और इस एक्शन के खिलाफ, इस दबाव की राजनीति के खिलाफ, इस अलोकतांत्रिक राजनीति के खिलाफ, एक तानाशाही राजनीति के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में 12 जुलाई को इसका विरोध दिवस मनाएंगे। हम लोग मौन धरना देंगे गांधी जी की मूर्ति के पास, सार्वजनिक जगह पर, जिससे कि जनता का समर्थन भी खुलकर सामने आए। आपने देखा होगा सीधी में जो घटना हुई, किस तरह की निंदनीय अमानवीय घटना हुई है, जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है। मध्य प्रदेश के इतिहास में किसी आदिवासी परिवार को इतनी बुरी तरह से अपमानित करने का काम मुझे नहीं लगता 50 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने कहीं और कभी और देखा हो। हम कांग्रेस ने हमेशा संविधान में आदिवासी समाज को, गरीब तबके को, SC ST वर्ग को सहायता की है, विशेष दर्जा दिया है, सम्मान किया है, और जिस तरह का घोर अपमान उनके चेहरे पर पेशाब कर दी जाए, और इसके बाद मुख्यमंत्री स्वयं स्वीकार करेंगे ये बहुत बड़ी गलती है, और बुलाकर उनका पैर धोएं, पैर धोने से गलती धुल जाती है क्या? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपके प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का, कानून का राज खत्म हो गया है। भाजपा के लोग निरंकुश हो गए हैं, जिसका परिणाम यह है कि वो मनमानी कर रहे हैं, अहंकार में डूबे हुए हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री आते हैं, कोल समाज का सम्मेलन करते हैं, गृह मंत्री आते हैं, कोल समाज का सम्मेलन करते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, कोलगढ़ी में जाकर दिखावा करते हैं, घोषणाएं करते हैं, पर जिस तरह से आदिवासी समाज को, कोल समाज को अपमानित किया जा रहा है, भारत सरकार के भी आंकड़े हैं कि पहले यदि 1600 घटनाएं, 2000 घटनाएं दर्ज थी, तो 2020 में बढ़कर 2400 हो गई, 2021 में बढ़कर 2600 हो गई। आज के करंट वर्ष में आदिवासी और गरीब तबके के खिलाफ ये घटनाएं बढ़कर 3200, 3000 से ऊपर हो गई। माने ये कितनी शर्मनाक बात है, और ये इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। जिला प्रशासन का ये दायित्व होता है लाइन ऑर्डर को बनाकर रखे, सरकार की योजनाओं में भ्रष्टाचार ना हो, हितग्राहियों को बगैर लेन देन के उनके खातों में पैसा पहुंचे, उनके परिवार में पैसा पहुंचे। पर यदि हम जिला प्रशासन को इवेंट मैनेजमेंट में लगाएंगे, चीफ मिनिस्टर के कार्यक्रम में लगाएंगे, या केंद्रीय मंत्रियों के स्वागत सत्कार में लगाएंगे, कहां से जिला प्रशासन काम करेगा? पूरा जिला प्रशासन में देख रहा हूं, रीवा में कितनी इवेंट हुई है पिछले 6 महीने में, और उनकी परिणति क्या हुई? क्या हमारे लिए वंदे भारत एक्सप्रेस मिली? क्या हमारे लिए कोई नई रेल परियोजना पूरी हुई? क्या रीवा से सिंगरौली की परियोजना पूरी हुई? क्या हवाई अड्डे में शिलान्यास के बाद कोई हवाई जहाज चला? भूमि अधिग्रहण में किसानों को राहत नहीं दी जा रही, आपने नहीं देखा? आपके सामने सब कुछ चीज है। हमारे नगर निगम में भी
136 करोड़ 150 करोड़ का टेंडर हुआ, मध्य प्रदेश की सरकार ने उस टेंडर को निरस्त कर दिया। क्यों, नल जल योजना की जरूरत नहीं है? क्यों आप विकास पुरुष होने के बाद भी आप नल जल योजना नहीं ला पाए 10 वर्षों में प्रदेश में सरकार होने के बावजूद? और यदि हमारे नए निर्वाचित मेयर ने कोई प्रस्ताव भेजा है, टेंडर आपने लिया है, प्रदेश सरकार का दायित्व है क्योंकि केंद्र सरकार की योजना है ये, तो आपका फर्ज बनता है कि आपको उस टेबल पे उस चीज को स्वीकृति हमारे रीवा शहर को मिलना चाहिए जिससे कि उस पर काम शुरू हो जाए। हम इसकी भी वासना करते हैं, अनावश्यक देरी टेंडर प्रक्रिया में जो हो रही है प्रदेश सरकार की तरफ से जानबूझकर, ये जनहित में नहीं, इसमें देखना चाहिए। अब मुद्दा आता है महंगाई का, जिस तरह से बढ़ रही है महंगाई, गैस का सिलेंडर हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, सब्जियां हो, खाने का तेल हो, दलहन हो, घर का खर्चा 5,000 रुपया बढ़ गया मध्यम और गरीब परिवार के ऊपर हर महीने का। और यदि अब वो टमाटर, हरी मिर्च और प्याज पे जाएगा तो आप ये सोच लो कि वो 150 और हो जाएगा, 150 रुपए किलो बिक रहा है। बताइए आप, टमाटर, हरी मिर्च 300-350 रुपए किलो। नहीं, अब ये बस खत्म कर रहे हैं, इसके बाद सवाल जरूर करिए। अखबारों में जो आ रहा है आप भी लोग दे रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, बाजार में जाते हैं लेने के लिए, तो लोग जो आधा किलो खरीदते थे, 1 पाव खरीदते थे, 1 किलो खरीदते थे, वो आधा किलो पे आ रहे हैं। तो ये महंगाई पर यदि ये कमर नहीं कर सकते, महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर सकते, और ये पूरा पैसा अडानी और अंबानी के खाते में जा रहा है, 10-10 लाख करोड़, 12-12 लाख करोड़ का जो भ्रष्टाचार अडानी के का एक्सपोज किया संसद में राहुल गांधी ने, उनकी आवाज बंद करने की कोशिश करी, उसके खिलाफ हमने प्रदर्शन किया, धरना दिया था यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी ने, और पूरे एक एक करके हमने पूरी सीक्वेंस बनाई बताई थी। आज 15-16 लाख करोड़ का कर्जा माफ हो गया, ब्याज माफ हो गया, और पैसे खाकर जो बाहर चले गए, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो बहेल चौक से हो, चाहे वो कौन ललित मोदी हो, कोई भी, ये सब लोग किसके संरक्षण में जा रहे हैं? बगैर पासपोर्ट के ये बाहर जा सकते हैं क्या? लुकआउट नोटिस जारी हो जाता तो ये एयरपोर्ट क्रॉस नहीं कर सकते थे, सहमति से गए हैं। और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं, नीरव मोदी तो कह रहा है कि मैं पैसे देकर लोगों को घूस देकर निकल के आया हूं वहां से, उसने अदालत में अपना एफिडेविट दिया है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? ये सब ऐसे तथ्य थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं, खासतौर से 2-3 पहले 3 पैरा के जो पूछे थे। 12 तारीख को सिरमौर चौराहे में आयोजित है राजीव गांधी जी की प्रतिमा के पास कौन धरना किया जाएगा? मेरा सवाल आपसे ये है जी, राज्य सरकार हमेशा घोटालों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, और जो चीजें सामने आ रही हैं जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी समय समय पर आयोजन कर रही है, और अधिकतर जो हमारा जोर है वो स्थानीय मुद्दे, स्थानीय घोटाले, स्थानीय झूठा बोली, स्थानीय भ्रष्टाचार पे ज्यादा जिला कांग्रेस कमेटी और हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां केंद्रित कर रही हैं, और हम उस पर और बेहतर तरीके से प्रमाणित आधार पर इन प्रदर्शनों को जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से करेंगे। प्रदेश लेवल पे जो घोटाले होते हैं तो जिला स्तर पर भी प्रभारी होता है, जिला प्रभारी होता है। हम जिला प्रभारी होने के नाते जिले स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, बताकर करेंगे। वो जानकारी आई है हमारे, उसमें लिखित में भी जानकारी आई है, जिला कांग्रेस कमेटी में भी आई है, और उनको ये निर्देश किया जा रहा है कोई भी संगठन का काम मतलब सेक्टर या ब्लॉक स्तर का करें तो संगठन के माध्यम से ही करें, और यदि आपने निजी मित्रों को, साथियों को बुलाना है तो कोई भी स्वतंत्र बुलाने के लिए, परंतु उसे संगठन की मीटिंग का नाम नहीं दिया जा सकता, संगठन से मिलकर उन्हें करना चाहिए, जो भी जनप्रतिनिधि करना चाहते हैं वो तो संगठन के पदाधिकारियों को विश्वास में लेकर, यही हमारी कार्य प्रणाली होती है, जिला कांग्रेस कमेटी के अंतर्गत ही ये सब कार्यों का आयोजन होना चाहिए। अब इसकी पूरी रिपोर्ट जिला कांग्रेस से लेंगे, और यदि किसी ने घर में भोजन दिया है या निमंत्रण करके बुलाया है उसका तो कोई कॉन्फिडेंस नहीं लिया जा सकता,
आप भी बुला सकते हैं, मैं भी बुला सकता हूँ। देखिए अंधेर नगरी चौपट राजा, अब इस पर क्या कमेंट करें? तो घुमाइए नहीं, कार्यवाही से संतुष्ट है? नहीं, उसका घर मिलता है उससे संतुष्ट नहीं। देखिए जो घर है, जो घर है वो ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, जो दूसरी है उसे कड़ी सजा मिलना चाहिए, ये हम बिल्कुल कहते हैं। एक आदिवासी के प्रति आपकी बड़ी सहमति, जो हुआ गलत हुआ, लेकिन हरी प्रसाद ने उसका घर गिराया जाता है, क्या जायज है? नहीं नहीं, जायज नहीं है बिल्कुल। लेकिन और सुनिए, उसमें कानून का सहारा लेना चाहिए उस परिवार को, वो ज्वाइंट प्रॉपर्टी वो दोषी व्यक्ति के खिलाफ होती तो जायज था, पर जो दोषी नहीं है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करना जायज नहीं है। आप कई नेता मन से चिल्ला रहे थे कि कार्रवाई नहीं हो रही है, आधा अधूरा घर गिराया गया, पूरा घर गिराने की बात है। आदिवासी धरने पर बैठे थे घर गिराने के लिए, पटेल जी धरने पर बैठे थे आदिवासी के साथ, और जब तक उसका घर नहीं गिरेगा तब तक वो लोग नहीं बैठे दोबारा मशीन लौट के नहीं गिराने के लिए। आप दलितों की बात करते हैं, सवर्ण की बात करते हैं, लगातार बुलडोजर चल रहे हैं, सरकार के बुलडोजर चल रहे हैं, कोई मारपीट करता है, कोई हत्या करता है, घर मेरा है, मेरे बेटे का नहीं है, क्या वो घर गिराने जायज है? इस तरह का जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्हें कानून के अनुसार निर्देश लेकर कार्रवाई करना चाहिए, व्यक्ति विशेष से लेकर निर्देश पर कार्रवाई नहीं करना चाहिए। कानून में है घर गिराना, आपने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा। नहीं तो आप नहीं, ऑर्डर लो ना कोर्ट से जाकर, आपके भी नेता वहाँ बैठ के धरने पर घर गिरा रहे हैं, दूसरे नेता ने क्या किया, मैं जवाब कैसे दूं? मैं तो नहीं बैठा। प्रशासन को बगैर जांच करे कोई कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। वो आदिवासी मुकर गया कि मैं नहीं हूँ, वीडियो वायरल हो गया, अब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा उसके घर गिराने से? अब ये शिवराज सिंह नहीं, अच्छा एक मिनट, आपने प्रश्न पूछा जवाब मैं दूंगा, और आपने सुनना चाहिए, जब उनके मुखिया शिवराज सिंह ने ये स्वीकार कर लिया कि वो दोषी है, अब अखबारी कागज या एफिडेविट का क्या मायने रह गया? उन्होंने क्यों उसके पांव धोए, क्यों बुलाया मुख्यमंत्री के घर में? उन्होंने कह दिया कि मैं माफी मांगता हूँ, सिद्ध हो गई बात। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए आप? नहीं मैं बनाएंगे रीवा का होता तो हम तत्काल बना देते आप, पर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस रीवा की हो रही है, हमने साफ कह दिया कि यदि हमें किसी का घर गिराना है तो उसकी मिल्कियत क्या है, उसकी ओनरशिप क्या है, यदि ज्वाइंट प्रॉपर्टी है तो बगैर वेरिफिकेशन के कोर्ट के आदेश से जिला प्रशासन को कार्रवाई को नहीं करना चाहिए था। अच्छा आप तो कर दी, पर आप जो भाई का लोग वोट है आप नहीं, हमने इसकी बात करी है, शामिल करते हो? कोई मतलब नहीं है, क्या सवर का वोट नहीं चाहिए? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा लग रहा है, पर है नहीं ऐसा। घर गिराने का विरोध कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी किया है, मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया, यदि कोई कोर्ट से आर्डर होता गिराने का तो जिला प्रशासन कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लाइंस करना चाहिए था, और राहुल भैया ने भी इस बात का खंडन किया है। जरा सही एक बात, सीधी के दो बड़े नेता धरने पर बैठे थे घर गिराने के लिए, किस बड़े नेता ने खंडन किया है? नहीं मेरे ज्ञान ज्ञान पर संज्ञान में नहीं है, कौन बैठा था घर गिराने की बात नहीं होगी उस एजेंडा में, सहमति और उसका समर्थन है, दलित वर्ग में ऐसा काम नहीं होना चाहिए, पर किसने ये काम किया उस परिवार से पूछिए, दूसरा किसने ये कार्रवाई करी है उस व्यक्ति से पूछिए, सरकार में मुखिया कौन है उस मुखिया से पूछिए। हम एक मिनट,
हम जवाबदेह इसलिए नहीं है कि सरकार हमारी नहीं है, हमने तो पूरी तरह जवाब देते, और एक विपक्ष के नाते जिम्मेदार प्रतिनिधि होने के नाते जो हमें कहना चाहिए वो हमने कह दिया। एक सवाल करूंगा, आप दबाव बना सकते हैं अगर किनार शुक्ला का विधायक किनार शुक्ला पर कार्रवाई क्यों नहीं, जब उसने माँ बाप का घर गिरा दिया गया तो किनार शुक्ला पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आपका सुझाव अच्छा है, दबाव बनाएंगे। क्या दबाव नहीं, मैटर जो है लॉ से है, मेन जो इसका आउटकम है वो ये है कि ये पहली घटना नहीं है। रीवा जिले में भी ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन हुआ, घर गिराया गया, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया। क्या आपकी गवर्नमेंट आएगी तो ऐसे जितने बुलडोजर चले हैं जिसमें घर किसी और का, पिताजी के नाम से घर है, बेटे ने अपराध किया उनका घर गिराया, तो क्या ऐसे केसेस को रिव्यू किया जाएगा? क्योंकि ये तो ऐसा ही हो गया कि कभी भी बुलडोजर लाके किसी के यहाँ चला दो। नहीं, ये बुलडोजर संस्कृति के तो खिलाफ है। कांग्रेस मेरिट के आधार पर ही इसको रिव्यू करना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। और जब कानून के दायरे में जो चीज आएगी उसका रिव्यू जरूर करना चाहिए, और कानून से ऊपर उठकर यदि पर्सनल ईगो के लिए किसी ने इस काम को किया है तो मध्य प्रदेश वो राज्य नहीं है जहाँ पर इस तरह के पहले प्रेसिडेंट्स रहे हों। और कांग्रेस ने हमेशा हर चीज को समदृष्टि से देखा है और कानून के राज्य को समानता से प्रभावी तरीके से इंप्लीमेंट किया है। हमेशा आदिवासी वर्ग को सही कानून बनाकर संरक्षण दिया है। एससी एसटी वर्ग के संरक्षण के लिए यदि कोई कानून बनाया तो कांग्रेस ने बनाया, यदि आदिवासी वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए कोई कानून बनाए तो कांग्रेस ने बनाए, यदि पैसा कानून जिसकी ये इतनी बात करते बनाए वो भी कांग्रेस ने बनाए, तो भाजपा ने एक भी बता दें आदिवासियों के संरक्षण में या समर्थन में या उनके हित साधने के लिए झूठ बोलने के अलावा कोई कानून बनाया हो तो एक कानून नहीं बनाया। आपका ये कहना बुलडोजर दोनों प्रकरण अलग अलग है। यदि किसी के जमीन का अतिक्रमण है, सरकारी जमीन किसी ने दबाई है और उसका प्रमाण सरकार के पास या जिला प्रशासन के पास है तो उस पर कार्रवाई करने का अधिकार जिला प्रशासन को और सरकार को है। पर यदि किसी के पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जैसा कि सीधी में हुआ है, जॉइंट प्रॉपर्टी है, तो बगैर कोर्ट ऑर्डर के ऐसा काम करना गलत है, निंदनीय है। हमने साफ कह दिया, इससे साफ और क्या चाहिए आपको? हमारे स्टेट साफ है और अतिक्रमण पे गिराया जा सकता है। आप जांच कराइए, वेरीफाई करिए। नहीं तो बाद में ये अधिकारी ही ना पेंगे ना, मुख्यमंत्री ने तो कोई लिखित ऑर्डर दिया नहीं है। कल को अगर आप जांच कराते तो ये अधिकारी एसडीएम तहसीलदार यही हो जाते हैं, मतलब बाद में क्यों ऊपर बात होती है? ये तो अधिकारियों को सोचना चाहिए। जबलपुर में क्या घटना हुई, 3 आईएएस अधिकारी लपेटे में है, ये आई ओपनर है, ये इससे ही सबक सीख ले वो। और किसी व्यक्ति के कहने पर या जाती हुई सरकार के निर्देश पर ऐसी कार्रवाई करना उचित नहीं है और कांग्रेस उसका तीव्र विरोध करेगी। और मेरा समर्थन है आपकी बात के लिए, और हमारे मध्य प्रदेश में बुलडोजर राजनीति का कोई जगह नहीं होना चाहिए जब तक कि कोई न्यायिक प्रणाली से इसका निर्णय ना दिया गया हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हो चाहे वो हाई कोर्ट से हो। न्याय का पालन होना चाहिए प्रदेश में, मनमानी नहीं होना चाहिए। और बुलडोजर संस्कृति इस तरह की बात अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए या स्वयं प्रसिद्धि के लिए उपयोग के ना हो, दुरुपयोग ना हो, ये कांग्रेस का स्टैंड है। थैंक यू। भारतीय जनता को इवेंट बनाती है, उसने बुलडोजर चलाने को इवेंट बना दिया। इंडियन पैनल कोड एग्जिस्ट करता है, भारत में कानून का राज्य है। इंडियन पैनल कोड में अगर लिखा है कि जुर्म जो है वो घर गिराना भी है सजा, तो आप पालन करिए। क्या इंडियन पैनल कोड ये कहता है कि घर गिराना अपराध की सजा है? उत्तर प्रदेश नहीं है, ये कानून की धज्जी उड़ाना भारतीय की राजनीति। आपने पूछा क्या कांग्रेस सरकार आएगी तब इसको रिव्यू किया जाएगा, मैंने कहा मेरिट के आधार पर किया जाएगा। साथ ही जिसको नुकसान हुआ है यदि वो अपील करेगा, करने के लिए रिक्वेस्ट करेगा, उस पर ही कार्रवाई की होना चाहिए। अभी कोर्ट ने पूछा है कि कानून की धज्जी उड़ाना, जाति की राजनीति करना, जाति वोट बैंक बनाना, ये काम भारतीय जनता पार्टी करती है, ये कांग्रेस ने कभी नहीं किया।